केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का विरोध देश भर के ट्रक और बस चालक कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई स्थानों पर इसका विरोध समाप्त हो चुका है, लेकिन अब भी कई राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आए दिन सड़क जाम और ट्रक बस ड्राइवरों की पुलिस के साथ बहस का दृश्य देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ स्थिति मंगलवार को छतरपुर के उदयगढ़ मोड़ पर भी देखने को मिल रही है, जहां फोर लेन बाईपास NH 58 सड़क पर ट्रक चालकों ने नए कानून का विरोध शुरू कर दिया है। नए कानून का विरोध करते हुए चालक सड़क जाम कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद छतरपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर वीर सिंह मुंडा, हरिहरगंज के थाना प्रभारी सुदामा दास दलबल के साथ वहां पहुंचे। जाम हटाने को लेकर लाठी चार्ज का भी प्रयास किया, तो ट्रक चालक भी इस पर लाठी डंडा और ईंट पत्थर के साथ तैयार हो गए। गृह मंत्री जी को अगर दाएं हाथ में यदि उनका ड्राइवर का अगर जरूरत नहीं है तो इस कानून के हम एक्सेप्ट करने के लिए सभी ड्राइवर हम तैयार हैं। अगर उनको ड्राइवर का अगर हमारे देश का राष्ट्रपति जी को अगर उनका ड्राइवर का जरूरत नहीं है तो सभी ड्राइवर इस कानून को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तैयार है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अगर ड्राइवर का जरूरत नहीं है तो ये कानून को हम स्वीकार करते हैं, निशानी कर लेंगे। ठीक है, ड्राइवर जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट हम लोग कर लेंगे, भी हम लोग कहूँ खाजी के खेलेंगे, सर बात नहीं था जो ड्राइवर। एक चीज और बोलना चाहते हैं, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं यदि यही हमारे प्रधानमंत्री जी CA NCA क्या लगाए थे उसके लिए हमारे सभी राज्य को मुख्यमंत्री आगे आया था। जब ये ड्राइवर पर गाज गिरा है तो किसी मुख्यमंत्री सामने नहीं आया कि ड्राइवर के हक पे हम अपना देश में हम लागू नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के उद्देश्य में आगे आना चाहिए था ना कि नहीं, हमारे देश का प्रजा है उसका हित में काम हो, ये आप गलत कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही ट्रक चालकों द्वारा फोर लेन जाम किया गया है, आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस दौरान 6 किलोमीटर से भी लंबा जाम लग चुका है, जिस कारण यात्री काफी परेशान है। किसी को भी रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा है, ना तो एम्बुलेंस और ना ही बाइक सवार, जिस कारण स्थिति काफी खराब हो गई है। ट्रक चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कानून को वापस लिया जाए, तभी यह जाम हटेगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।